आज बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में 20 सूत्री के कार्यालय का उद्घाटन गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने फीता काटकर किया। इस दौरान जेएमएम कांग्रेस के कई कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। आपको बताते चलें कि जब से झारखंड में 20 सूत्री के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कमेटी के विभिन्न पदों पर सदस्यों का चयन किया गया है, तब से प्रखंड मुख्यालय में 20 सूत्री कार्यालय का उद्घाटन किए जा रहे हैं, ताकि जनता का सीधा सरोकार सरकार द्वारा मनोनीत 20 सूत्री के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों से हो और जनता की समस्याओं का समाधान निकले। और इसी कड़ी में आज बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में 20 सूत्री कार्यालय का उद्घाटन गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के हाथों किया गया। इस दौरान 20 सूत्री अध्यक्ष नूराम किस्कू और स्टाइगर, उपाध्यक्ष निरकन मंडल एवं कमेटी के अन्य सदस्यों को बधाई देने बेंगाबाद प्रमुख राम प्रसाद यादव, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार पहुंचे थे। आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस के कई कार्यकर्ता एवं बेंगाबाद के विभिन्न पंचायतों के लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया। आज हुआ है यहाँ पर 20 सूत्री क्रियावान समिति का आज कार्यालय का उद्घाटन आज हुआ है, और इसमें हम माननीय अध्यक्ष जी को और उपाध्यक्ष महोदय को, साथ ही सभी कमेटी के सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि हम सभी मिलकर पूरे बेंगाबाद प्रखंड में जन समस्याओं को दूर करने के हम लोग अच्छा पहल करेंगे। सरकार द्वारा जारी 20 सूत्री अध्यक्ष हमारे बड़े भाई माननीय नूनूराम किस्कू टाइगर जी एवं उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई नीलकंठ मंडल जी का आज कार्यालय 20 सूत्री अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यालय बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय में खोला गया, जिसमें हमारे माननीय गांडे विधानसभा के विधायक जी द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें हम लोग को भी निमंत्रण दिया गया था, जो हम लोग प्रमुख साहब और हम और यहाँ पर 20 सूत्री के सभी सदस्यगण उपस्थित हुए, और बेंगाबाद की जनता आम आवाम की समस्या के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम करेंगे। यही हमको 20 सूत्री अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से आग्रह है एवं 20 सूत्री सदस्यों से आप भी आग्रह है कि मिलजुल कर हम लोग सब काम करें और प्रखंड के विकास में सब लोग सहभागी बने। तो अभी हम बेंगाबाद में मौजूद हैं। बता दें आपको कि आज बेंगाबाद में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने 20 सूत्री कार्यालय का उद्घाटन किया है, और बेंगाबाद में 20 सूत्री कार्यालय के उद्घाटन के बाद हमारे साथ मौजूद हैं 20 सूत्री के अध्यक्ष बेंगाबाद के नूराम किस्कू उर्फ टाइगर, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं। अब एक नई पारी की शुरुआत आपकी होने जा रही है, कार्यालय का उद्घाटन आज हो गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आज 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति कार्यालय के उद्घाटन समारोह में इस समाधान न्यूज चैनल के माध्यम से बेंगाबाद के तमाम वासियों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। मैं बेंगाबाद के उन तमाम जनता को जो बेंगाबाद के सुदूरवर्ती इलाके में रहते हैं और जिनको सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का जरूरत होता है, उन मैं तमाम साथियों को, तमाम लोगों को आज के इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए, जिन्होंने सरकार मुझे 20 सूत्रीय अध्यक्ष बनाकर बेंगाबाद प्रखंड में सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए और यहाँ के पदाधिकारियों के साथ 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के दायरे में अधीनस्थ में जो भी चीज़ें आएगी, मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा, जितना बन पड़ेगा, जो भी जनता की समस्याएं मेरे संज्ञान में आएंगे, निश्चित रूप से मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा, ये मेरा अपना सोच है। प्राथमिकता क्या होगी? सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है 20 सूत्री की जो कमेटी होती है, खास करके प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर अगर विकास की गाथा अगर गढ़नी हो तो 20 सूत्री बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बेंगाबाद को आप लगातार कई दिनों से देख रहे हैं, प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं, राजनीति में पूरी तरीके से आप सक्रिय रहे हैं, अब जाकर के आप 20 सूत्री अध्यक्ष बने हैं, प्राथमिकता क्या होगी, क्या देखते हैं, कैसा क्या रहेगा आपका पहली प्राथमिकता? देखिए, अमूमन यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, ब्लॉक का चक्कर काटना, उनका काम नहीं होना, प्रत्येक दिन मैं इस चीज़ को देखता हूँ, लेकिन मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहूँगा, मैं निस्वार्थ भाव से पूरी तन्मयता के साथ आपको आश्वस्त करता हूँ न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जनता की जायज मांगों को जिसमें स्वार्थ नहीं भरा हो,
उसके लिए जहाँ तक मुझे जाना पड़े, सीएमओ तक जाना पड़े, मुख्यमंत्री को कहना पड़े, हाँ बशर्ते जनता का जायज मांग हो, उसके अंदर स्वार्थ नहीं हो, निश्चित रूप से हम उसको करने का प्रयास करेंगे। तो बेंगाबाद में आज 20 सूत्री कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, स्वयं आज गांडे के विधायक यहाँ पहुँचे हैं, उद्घाटन किए हैं। सर, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं 20 सूत्री अध्यक्ष उपाध्यक्ष, एक सरकार का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, ऐसे में आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या लग रहा है, लोग किस तरह से इसको देखेंगे और क्या अपेक्षा? निश्चित रूप से कमेटी बनने में देर हुई मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन चूंकि सरकार की प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती है, आपने देखा कि कोरोना काल से हम जूझ रहे थे, लोगों को लाना, उनके गांव पहुँचाना, उनके दवा ववा की व्यवस्था करना, और कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट, अब इन सारे कामों में रेवेन्यू का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, और ये जो 20 सूत्री की कमेटी जो बननी है, ये कुछ जल्दीबाजी में नहीं होना चाहिए ना, चूँकि हम लोग एक सरकार के जो मुखिया हैं वो इस बात को जानते हैं कि घटक दल के साथ जो हमारे सपोर्टिंग पार्टी है या साथ में है, सबको लेकर ही चलना है, और काफ़ी मंथन के बाद ये कमेटी बनाई गई, अभी भी एक दो ज़िला में नहीं बन पाई है प्रखंडों में, लेकिन जल्द ही बन जाएगी। एक नई जिम्मेवारी हमारे साथियों को दी गई है, अध्यक्ष जी बने हैं, उपाध्यक्ष बने हैं, मेम्बरान बने हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं, चूँकि ये एक सरकार के अंग के रूप में काम करेंगे, चूँकि इनका नोटिफिकेशन हुआ है गजेट में और उस पर मोहर लगी है राज्यपाल महोदय की सरकार के अनुशंसा के बाद, तो आप समझ लीजिए कि ये लोग सरकार के एक अंग के रूप में काम करेंगे। इनका दायरा है प्रखंड तक, प्रखंड के अंदर जिस किसी तरह की कोई दुश्वारियाँ यहाँ के लोगों को होगी या जिनका ब्लॉक स्तर का कुछ समस्या होगा, जो काम होगा उसको देखना, या कुछ ऐसे काम जो मैं जो हम शुरुआत जिसकी करेंगे उसको आगे ले जाना, उसको कार्यान्वयन कराना, एक जिम्मेवारी के साथ उस रूप में ये लोग यहाँ पर काम करेंगे। एक जिम्मेवारी है, हमारे बहुत सारे अच्छे साथी छूट गए हैं, चूँकि इसमें एक लिमिटेड नंबर ही सदस्य बन सकते हैं, सरकार के अभी और भी कमेटियाँ बननी हैं, उसमें जो हमारे छूटे हुए साथी हैं उनको हम लोग एडजस्ट करेंगे। इसलिए 20 सूत्री जो कमेटी है बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है, इसकी जिम्मेवारियाँ हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और हम चाहते हैं कि अच्छे से इसका निर्वाह। सर, ज़्यादा नहीं, एक अंतिम सवाल लेंगे, सरकार आपके द्वारा जिस तरह से कार्यक्रम लास्ट 2 साल पूरे हुए और कार्यक्रम जिस तरह से हुए, कई ऐसे आवेदन हैं जिसको लेकर के अब पेंडिंग स्थिति है, कई जगह से हमारे पास भी कॉल आते हैं कि कई जगह पेंडिंग स्थिति है, तो उसको लेकर के क्या सरकार और भी किस तरह से कदम? निश्चित रूप से अभी बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है, फरवरी के अंत से लेकर मार्च के अंत तक बहुत सारी बातें उसमें आएगी, और हम लोग जब परमंडलीय स्तर पर सरकार आपके द्वार का प्रोग्राम हजारीबाग में हुआ था, तो मैंने खुद मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि इस प्रोग्राम को रोकना नहीं है, इसको चलाते रहना है, थोड़ा थोड़े दिन गैप देने के बाद, चूँकि किसी भी चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा, निश्चित रूप से ये प्रोग्राम जो मुझे लगता है, चूँकि मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि ये तो अभी झलकी है, झलकियाँ हैं, आगे अभी पूरी पिक्चर बाकी है, तो लगा कि ये प्रोग्राम अभी ये चलेगा, और मैं इस बात को मान के चलता हूँ, अगर किसी पंचायत में 100 लोग आए अपने काम के लिए, 50 लोगों का भी काम उसमें हो गया, तो मैं इसको अपनी उपलब्धि मानता हूँ, बिल्कुल, और आने वाले दिनों भी, और ये नहीं कि जिन लोगों ने मान लीजिए आवेदन नहीं दे पाए सरकार आपके द्वार के जिस पंचायत में हुआ है, तो वहाँ पर स्टॉप नहीं हुआ, उसके बाद भी लोगों ने आके आवेदन प्रखंड में या विभिन्न अधिकारियों को दिया है, और वो काम होगा, बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे थे और सुन रहे थे गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, उनका क्या कुछ कहना था, देखते रहिए समाधान इंडिया, अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ, मैं विकास यादव, बेंगाबाद। Ha 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 ha!
Thank you.